हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च सनस्क्रीन का रिव्यू। सो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ओके, सो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, समर आ गया है एंड अभी सिर्फ मार्च ही हुआ है। एंड ओ माई गॉड, बाहर इतनी ज़्यादा धूप है, क्या बताओ। मैं बाहर गई थी ट्रैक पे एंड मैंने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया था, सो जो मेरे हैंड्स वगैरह है वो पूरे टैन हो गए हैं एंड जो मेरा नोज़ था, यहाँ की स्किन मुझे पील होने लगी, सन बर्न हो गया एंड क्या बताऊँ, जो मेरा स्किन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया था। सो प्लीज़ गाइस, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ आप एटलीस्ट SPF 50-55 SPF वाला सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, जो कि आपको यू नो हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करेगा ना। अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है ये वाव स्किन साइंस का सनस्क्रीन और ये मैट फिनिश सनस्क्रीन है, इसमें है SPF 55। सो दिस इज़ हाव दी बॉटल लुक्स लाइक। आपको इसमें पंप मिल जाता है, ये पंप पैकेजिंग है ताकि आप यू नो ईजिली सनस्क्रीन ले सकें। नाउ अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूँ तो इसकी जो फिनिश है वो मैट फिनिश है। लेट मी शो यू गाइज द टेक्स्चर। सी, आप यहाँ पे देख सकते हो वाइट कलर का है और इसका जो फिनिश है वो मैट फिनिश है ना। यहाँ पे मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ले ली है एज यू गाइज कैन सी हियर, बट आपको बस थोड़ा सा सनस्क्रीन चाहिए रहेगा आपके पूरे फेस पे। एंड जब आप अच्छे से मसाज करोगे तो ये आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ले ली है। लेट मी मसाज माय हैंड नाउ। यू नो जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो सनस्क्रीन का वो जो वाइट कास्ट होता है वो यू नो आपके फेस पे आ जाता है। सो इस सनस्क्रीन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसे अच्छे से मसाज करोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो जो वाइट कास्ट होगा वो यू नो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके फेस पे एंड कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा आपके फेस पे। नाउ लेट मी शो यू गाइज। सो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की थी और ये सनस्क्रीन अब बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है एंड एज यू गाइज कैन सी आपको यू नो बिल्कुल भी ऑयली एंड ग्रीजी नहीं लगेगा। ये जो सनस्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली भी है तो भी आप इस सनस्क्रीन को वेयर कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको बस थोड़ा सा अमाउंट लेना है एंड आप पहले आपके फिंगर्स पर रब कीजिए एंड देन आप आपके फेस पर अप्लाई कीजिए। इस तरह से क्या होगा, जब आप आपके फिंगर्स पर रब करते हो तो यू नो सनस्क्रीन जो है वो थोड़ी सी वॉर्म हो जाएगी एंड आपके फेस पे बहुत इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। सो आप ये कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये वाला सनस्क्रीन। मैं अब जब भी अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ मुझे बिल्कुल भी वो ऑयली ग्रीजी वाला फेस नहीं दिखता एंड ऑलरेडी बाहर इतनी ज़्यादा धूप है एंड ऊपर से आपके फेस जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा तो यू नो बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है। सो मैं आपको ये वाली सनस्क्रीन सजेस्ट करूँगी एंड ऊपर से इसमें है SPF 55 जो कि आपको बहुत अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे देगा। नाउ इसमें है UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन है इसमें। नाउ अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें है रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल। नाउ ये जो प्रोडक्ट है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। नाउ अगर आप नहीं जानते तो वाव स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है एंड उनकी जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो इंडिया में ही होते हैं एंड ऑल्सो वाव स्किन साइंस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड यू नो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड ऑल्सो उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन भी होते हैं, सो इसलिए मैं इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ एंड ऑफ कोर्स इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एंड पहले से ही काफ़ी अच्छे से काम करते हैं मेरे फेस पे, सो मुझे इनके प्रोडक्ट्स के साथ कोई भी इश्यू नहीं है ना। अगर मैं वाव स्किन साइंस की बात करूँ तो इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, आर्टिफिशियल कलर वगैरह नहीं होता है एंड हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं होते और इनके प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं एंड इन्होंने जो भी एक्वा वाटर वगैरह यूज़ किया रहेगा वो हिमालयन स्ट्रीम से लिया गया है। इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है, वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं एंड इनके 80% एम्प्लॉयज़ वुमेन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके जो भी पैकेजिंग होते हैं वो ईको फ्रेंडली पैकेजिंग होते हैं, सो देर आर सो मेनी रीजंस टू लव दिस ब्रांड और मुझे इनके प्रोडक्ट्स जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। Now, अगर आप इनके प्रोडक्ट्स चेक करना चाहते हो तो मैं लिंक्स दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। और इनका एक ऐप भी है विच लुक समथिंग लाइक दिस, तो आप उनके ऐप पर जाकर भी परचेज कर सकते हो ना। अगर मैं QR कोड एंड ऑथेंटिसिटी की बात करूँ तो अगर आपको जानना है कि इनके प्रोडक्ट्स जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं, सो यहाँ पे आपको QR कोड दिया गया रहेगा, सो आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे
एंड वो 100 पॉइंट्स आप वाओ के ऐप पे जाके रिडीम कर सकते हो आपके नेक्स्ट परचेज में। ओके गाइस, सो मैं ये वीडियो को एडिट कर रही थी एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इस वीडियो का आउट्रो शूट नहीं किया है। सो येस, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंडरलाइन, टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।